इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि चैन पुलिंग को किस तरह ठीक करते थे। दोस्तों, चैन पुलिंग को ठीक करने से पहले आप जो ये जो गाड़ी का जो व्हील है उसके नीचे में एक काक रहता है, तो दोस्तों मैं आपको काक बता देता हूँ कि वो किस तरह से उसको आइसोलेट किया रहता है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है काक है, ये आइसोलेट किया हुआ है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इस काक को सही कर देंगे, मतलब ये पाइप के लाइन में घुमा देंगे। तो दोस्तों, और पाइप के लाइन में घुमाने के बाद ऊपर से जो हम ये जो की है, चैन पुलिंग जो डिवाइस है, उसको ठीक करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं अभी इसको पैरेलल पाइपलाइन के पैरेलल में इसको घुमा के बता देता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों जो ये जो काक था, इसको मैंने अभी पाइप के लाइन में इसको ले आया है। ठीक है, नमस्ते दोस्तों, मैं वो देवीदास और मेरे चैनल का नाम है देवीदास ठौरे। दोस्तों, LHB गाड़ी में यदि चैन पुलिंग हो जाती है तो उसको की से कैसे रिसेट करते। दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर चैन पुलिंग करने का जो डिवाइस है, अभी चैन पुलिंग यहाँ पर हो चुकी है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर चैन पुलिंग हो गई? तो दोस्तों, यहाँ देख रहे होंगे यहाँ पर, यहाँ रिसेट करने की, ये तो मेरे पास जो है रिसेट की है, तो इस तरह की रिसेट की होती है यहाँ पे स्क्वेयर इसमें। ठीक है, और यहाँ पर ये चाबी फंसानी होती है, तो अभी मैं आपको रिसेट करके बताऊँगा। तो ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर चैन पुलिंग हो गई? तो दोस्तों, यहाँ पर देख रहे होंगे अपर साइड में ये होल है, तो दोस्तों ये चैन पुलिंग नीचे आ गई है। ठीक है, अब मैं इसको रिसेट करता हूँ, वापस करता हूँ, तो ये ठीक हो जाएगी। तो आप, मैं आप करके बताता हूँ, ये देखिए, तो अब ये होल बंद हो गया। ठीक है दोस्तों, हाँ, यहाँ पर ये होल बंद हो गया। तो अभी मैं वापस इसको रिसेट कर चैन पुलिंग करके बताता हूँ। चैन पुलिंग कैसे की जाती है, इसको इस हैंडल को यहाँ पर हाथ डालना होता है और यहाँ पर नीचे खींचना होता है, तो दोस्तों यहाँ पर चैन पुलिंग हो जाती है। तो वापस आप, यदि आपको इसको रिसेट करना है, तो रिसेट करने के लिए दोस्तों यहाँ पर इस टाइप की चाबी की ज़रूरत होती है। ठीक है, यहाँ पर यदि आप डालते हो तो उसको इस तरह से करना होता है, तो ये ऑफ हो जाती है। तो दोस्तों, ये मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।